बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे, घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। शिक्षा संक्रमितों की संख्या के भी आंकड़े काफी पार हो चुके हैं, उसके बारे में विस्तार से जाने की शिक्षा अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें कि जमात चल रही है, इस पर बैन लगाने की मांग तेजी चल रही है। तबलीगी जमात को बैन कर सकती है यूपी की योगी सरकार। जी, आपको बता दें कि सिया वक्त बोर्ड ने दिया है प्रपोजल, चेयरमैन ने बड़ा बयान दिया। शिक्षा हिंदुस्तान में भी गृह मंत्रालय की तरफ से सघन तलाश जारी। अगली बड़ी खबर जानेंगे, आपको बता दें कि देश भर में कल निजामुद्दीन मरकज के संकट में। इस बीच एनएसए अजीत डोवाल पहुंचे रात में 12 बजे रात को, तब जाके शुरू हुई कार्रवाई। जी हां, तबलीगी जमात मस्जिद में पहुंचे थे। शिक्षा अगली बड़ी खबर जानेंगे, आपको बता दें यूएन महासचिव की पूरी दुनिया से अपील, कहा आज ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा संकट है कोरोना, सभी देश आपसी राजनीति भूलकर शायद आए। इसके साथ और कुछ बड़ी बातें कही हैं द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर। इसके साथ कोरोना जैसे गंभीर घातक बीमारी को लेकर पूरी दुनिया में मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, और जो 2.5 लाख का एक अभी आपको बता दें कि 2.5 लाख का आंकड़े को लेकर बड़ी बात निकल के आई, 2.5 लाख लोग मरने वाले हैं। अब तक कितने मरे हैं और कितने संक्रमित हुए इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें, और एक लाइक उन डॉक्टर्स के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए जो लगातार कोरोना संक्रमण के सामने डट कर मुकाबला कर रहे हैं। चलिए खबर विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि 29 राज्यों में 1715 मामले सामने, यानी 1700 के आंकड़े को पार कर गया है। आंध्र में 43 और महाराष्ट्र में 23 नए केस आज मिले हैं, जबकि 40 लोगों की मौत के बाद हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 1700 के आंकड़े को पार कर गई है। बुधवार को सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में 43 नए मामले सामने आए, जबकि मध्य प्रदेश में 20 मामले सामने आए हैं, वहीं महाराष्ट्र में 23 मामले सामने आए हैं। 29 राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। दिल्ली के सरकारी अस्पताल की एक महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। राजधानी में तगलीगी जमात के मरकज के बाद अब मजरू का टीला इलाके में एक गुरुद्वारे से 250 लोगों को निकाला गया है। इसी के साथ पुलिस इनकी स्वास्थ्य जांच कर रही है, और आपको बता दें कि ये और कोई नहीं जब बल्कि तबलीगी जमात के लोग ही हैं जो पूरे देश भर में घूम घूम कर कोरोना फैला रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर किया जहां पर कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में बच्चों को प्रोत्साहन भी दिया कि ऑनलाइन वो कोर्सेज पढ़ाई करते रहें। दरअसल पूरे अब जान लेते हैं महाराष्ट्र में कितने हैं, 325 राज्य दर राज। केरला की बात करें तो दूसरे स्थान पर 241, तमिलनाडु 124, दिल्ली 121, यूपी में 105 मरीज हैं, जबकि कर्नाटका 101, राजस्थान 93, तेलंगाना 92, मध्य प्रदेश 86, गुजरात में भी 82 मामले आ चुके हैं, जबकि जम्मू कश्मीर 55, आंध्र प्रदेश 87, हरियाणा 43, पंजाब में 41, पंजाब बिहार में 27 और 23 मामले निकल के सामने आ चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि देश भर में हाई लेवल मीटिंग जारी है। जी, आपको बता दें कि 40 मौत का आंकड़ा 40 पार कर चुका है और 1700 मरीजों का आंकड़ा पार कर चुका है। इस बीच गृह मंत्रालय की एक हाई लेवल मीटिंग जारी है, और बात ये भी निकल के आ रही है कि तबलीगी जमात के बैन पर भी चर्चा की जा सकती है। हालांकि कल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों से सीधा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। ओसामा बगदादी भी थे तबलीगी जमात के मददगार, हिंदुस्तान में जरूर लगना चाहिए बैन, यूपी सिया वक्त बोर्ड के चेयरमैन का बड़ा बयान। जी हाँ, यूपीसीए वक्त बोर्ड के चेयरमैन एक बार फिर से वसीम रिजवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तबलीगी जमात के बारे में कहा है कि वो तबलीगी जमात दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, और सबसे बड़े बड़े आतंकी संगठन के ताल्लुक इससे रहे हैं। ऐसे में हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं, हिंदुस्तान की सरकार से अपील करते हैं कि तबलीगी जमात को पूरी तरीके से हिंदुस्तान में बैन करना चाहिए, और सबसे पहले योगी सरकार को यूपी में बैन करना चाहिए। इसके लिए जो भी मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं। तो यूपी के सिया वक्त बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने इसे ओसामा और बगदादी के
हम मददगार के रूप में बताए, जो कि अपने आप में एक ऐसी खबर निकल के पुष्टि सामने भी आ रही। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस से जंग में शहीद हॉस्पिटल कर्मी को देंगे अरविंद केजरीवाल 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, लोगों की मौत के बीच अगर कोई पुलिस प्रशासन या फिर डॉक्टर्स की मौत होती है तो उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए कोरोना वायरस की वजह से देंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि निजामुद्दीन मरकज कोरोना संकट के बीच तबलीगी नेताओं को समझाने खुद गए थे अजीत डोवाल। आधी रात शुरू हुई थी कार्रवाई। एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल देश भर में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में सम्मिलित लोगों के कोरोना वायरस के लक्षण के सामने आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साज के मरकज बिल्डिंग खाली कराने को लेकर कह रही थी, जिसे तबलीगी जमात नेता अनशुना कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें मरकज के नेता 23 मार्च को बात करते दिख रहे हैं। जब बात नहीं बनी तो गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने मरकज मामले की कमान संभालने को कहा। गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने अनुसार अजीत डोवाल लगभग 28 से 29 मार्च की रात 2 बजे मरकज पहुंचे थे और मौलाना साज से कहा है कि मौजूदा लोगों को कोरोना वायरस टेस्ट करवाएं और उन्हें क्वारंटाइन करें। अमित शाह और अजीत डोवाल भी स्थिति से पहले से जानते थे, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने तेलंगाना के करीम नगर में 9 कोरोना वायरस पॉजिटिव इंडोनेशियाई नागरिक को ट्रैक किया था, जो 18 मार्च को मरकज में मौजूद थे। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मरकज इन्फेक्शन को लेकर अगले दिन सभी राज्य पुलिस को सूचना कर दिया था। तो इस तरीके से तेलंगाना में घूमे, जम्मू कश्मीर में घूमे, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, तमाम जगह पे घूम घूम कर क्या कर रहे हैं ये समझ जा सकता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की बड़ी अपील। कहा, कोरोना दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा संकट है, सभी देश आपसी राजनीति भूलकर एक साथ आए। जी हां, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस महामारी पर चिंता जताई है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को यूएन में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि दुनिया में कोरोना एक खतरा है और इसका अर्थव्यवस्था पर असर सीधा पड़ रहा है और मंदी आई। बीते समय में ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई थी, इससे अस्थिरता, अशांति और संघर्ष बढ़ रहा है। तथ्यों पर गौर करें तो यकीन हो जाएगा कि महामारी दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती है। गुटेरेस ने कहा है कि कोरोना से मजबूती और असरकारी ढंग से निपटने की जरूरत है। ऐसा तब तक संभव होगा जब सभी देश राजनीति भूलकर एक साथ आएंगे और ये समझें कि इसमें मानवता को खतरा है। यूएन प्रमुख ने कहा है कि वो महामारी को लेकर दुनिया के नेताओं के संपर्क में, एक मत यही है कि पूरी दुनिया का एक साथ इस बीमारी की चपेट में है और इसे साथ मिलकर ही बाहर निकालना होगा और इसमें सभी देशों को आपसी वैर भुलाकर एक साथ आना पड़ेगा, गुटेरेस ने कहा। बड़ा दावा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन देगा 1125 करोड़ रुपए का योगदान। जी हाँ, आपको बता दें कि विप्रो इंटरप्राइजेज लिमिटेड और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने कोरोना वायरस के खिलाफ देश में जारी अभियान में 1125 करोड़ रुपए योगदान देने की बात की है। कंपनी ने बुधवार को एक बयान जारी करके बताया है कि इसमें विप्रो 100 करोड़ रुपए देगा विप्रो लिमिटेड, जबकि विप्रो इंटरप्राइजेज 25 करोड़ देगा, जबकि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन 1000 करोड़ रुपए की मदद करेगा। अपने आप में अच्छी खबर है, एक लाइक इनके लिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 9 लाख तक पहुंच चुका है। जी, आपको बता दें कि 6,70,000 संक्रमित पूरी दुनिया में पाए जा चुके हैं, जबकि 42,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस से 8,68,000 लगभग 70,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, 1,78,000 रिकवर भी हो चुके हैं, जबकि 42,000 से लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 30,000 लोगों की जान केवल यूरोप में गई है। यहाँ पे इटली, स्पेन और फ्रांस में 20,000 से ज़्यादा लोगों की जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में मंगलवार को 811 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक यहां पर अब तक 4,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 1,80,000 से ज़्यादा संक्रमित बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में डेली ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि अमेरिकियों के लिए अगले 2 हफ्ते बेहद दर्द भरे रहने वाले हैं, इसके बाद यहाँ स्थिति बेहतर होगी। हर अमेरिकी आने वाले मुश्किल दिनों में हम तैयार हैं, यह देश के लिए परीक्षा की घड़ी है। पहले हमने कभी ऐसे संकट का सामना नहीं किया है। संक्रमितों की संख्या कम करने के लिए उनके प्रति एकजुटता और प्रेम दिखाने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि इटली के भी हालात बेकाबू हो चले हैं, मौत का आंकड़ा 12,000 के पार हो चला है। इस बीच कल महज 24 घंटे में 900 लोगों की मौत हुई है। स्पेन में एक दिन में लगभग 850 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मौत का आंकड़ा स्पेन में लगभग पार कर चुका है 8,000 और 1,00,000 संक्रमित भी बताए जा रहे हैं।
चीन सहित पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आएगी, लेकिन भारत और चीन पर असर पड़ने की आशंका नहीं है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने कहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को इस साल मंदी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका है। इससे विकासशील देशों का ज़्यादा मुश्किल होगी। हालांकि यूएन ने यह भी कहा है कि इससे भारत और चीन पर असर ना पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यूएन ने कहा है कि इसकी वजह नहीं बताई जा रही है, लेकिन वैश्विक मंदी ने भारत कैसे बचेंगे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की ट्रेड रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की 2/3 आबादी विकासशील देशों में रहती है। इन देशों को कोरोना वायरस के संकट की वजह से बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए लगभग 1,87,000 करोड़ रुपये के रेवेन्यू पैकेज की ज़रूरत है। लेकिन इन सब में बड़ी बात यह है कि भारत और चीन देखने की बात होती है कि क्या यूएन की बात में दम है या फिर नहीं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में कोरोना तबलीगी जमात की जांच करने पहुंची पुलिस पर 5 दिन में हुआ पथराव, 15 लोग के नाम FIR, 4 अरेस्ट। जी हाँ, बिहार के एक निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के लोगों के छुपे होने की खबर निकली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी को लेकर वहां पहुंची थी, जिसके बाद वहां मस्जिद में बैठे कई लोगों ने पुलिस प्रशासन पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद मामला बिगड़ता देख भारी पुलिस बल तैनात हुई, जिसमें 15 लोगों के नाम FIR दर्ज कर लिया गया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि भीलवाड़ा से निकल के आ रही राजस्थान का EP सेंटर बन गया है कोरोना का। जी हां, दरअसल सर्दी जुकाम और बुखार की शिकायत वाले 18,000 लोगों पर घर घर जाकर किया जाएगा इलाज। और इसी के साथ आज से, जी हां, 1 अप्रैल से अगले 13 अप्रैल तक सभी मीडिया और इसी के साथ NGO के साथ तमाम ऐसे चीज़ों का पास रद्द कर दिया गया है, यानी कर्फ्यू का मतलब महाकर्फ्यू लग गया है, खास करके भीलवाड़ा के राजस्थान जिला में, जो कि कोरोना का एक मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। यहां पर अब तक 40 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और एक ही परिवार के काफ़ी लोगों के संक्रमित होने की वजह से यहां पर ताबड़तोड़ एक्शन राजस्थान की सरकार कर रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिका ने मानी अपनी लापरवाही, कहा 1 माह की लापरवाही ने बढ़ाई महामारी, जांच में बरती गई थी कोताही, वरना आज ये हालात न होते। जी हाँ, फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, इसकी जानकारी दी गई है। जी हाँ, इसके साथ अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें कि आज से खाद्य एवं रसद विभाग मजदूरों को बांटेगा राशन, CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए PM मोदी के आह्वान पर पूरे देश में लॉकडाउन, इस बीच CM योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल से पूरे देश भर में राशन बांटने का ऐलान कर दिया है। सभी श्रमिकों को अगले 3 माह का राशन मुफ्त में दिए जाने की घोषणा CM योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। देश में जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील जिले हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं, वहाँ भूल से भी मत जाना, और अगर आप उस जिले के हैं तो घर से बाहर मत निकलना। जी हाँ, दरअसल ये मामला है दिल्ली का निज़ामुद्दीन इलाका। अगर आप इस इलाके में रहते हैं तो बेहद संवेदनशील इलाका, और यहाँ पर लगभग 25 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान का भीलवाड़ा, अगर आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर अभी तक 40 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। यहाँ पर डॉक्टरों में भी बढ़ चढ़ कर कोरोना पॉजिटिव मामले देखे जा रहे हैं। मुंबई में महाराष्ट्र के पुणे, बुलढाणा, ठाणे, सांगली और मुंबई में कोरोना का अधिक कहर है। अहमदाबाद में कोरोना का अधिक कहर है। यहाँ पर भी अगर आप हैं तो घर से बाहर ना निकले। मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी इस समय UP का मेरठ भी इसकी रडार में आ गया है। कासरगोड केरल के कासरगोड में है तो यहाँ पर भी आप बच के रहें। मध्य प्रदेश के इंदौर में है तो यहाँ भी कोरोना का हब बन चुका है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कोरोना से जंग के बीच कर्नाटका के CM येदियुरप्पा ने 1 साल का अपना वेतन देने का किया ऐलान। जी हाँ, कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राहत कोष में 1 साल का अपना वेतन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वायरस महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार की भी मदद हो सकेगी। उन्होंने मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, सदस्यों, अधिकारियों के साथ ही आम नागरिकों से इस कोष में अपनी क्षमता के अनुसार राहत करने की अपील की है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच जनता को राहत, आज से इतना सस्ता हो गया गैस सिलेंडर, आखिर कितना सस्ता जानेंगे। जी हाँ, दरअसल 19 किलो के LPG गैस सिलेंडर की कीमतें घटा दी गई हैं और 19 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर में 96 रुपये सस्ता कर दिया गया। जी हाँ, दरअसल जो अभी तक पहले 1381 रुपये का था, जो ग्राहकों को 1285 रुपये में मिलेगा। वहीं कोलकाता की बात करें तो 1348 था, 1234 मिलेगा, यानी जहां पे जो भी रेट था उनमें से 90 रुपये कम आपको मिलेगी। तो ये भी देश भर में एक अच्छी खबर। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, पुतिन पर कोरोना संक्रमण का खतरा, जिस डॉक्टर से मिलाया हाथ वही निकला संक्रमण। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक भी कोरोना संक्रमण का खतरा पहुँच गया है।
ऐसा तब पता चला जब एक डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाया गया। दरअसल पता चला ये कि कोरोना संक्रमित पाए गए डॉक्टर से मिल चुके हैं देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और व्लादिमीर पुतिन कुछ दिन पहले उससे हाथ मिलाया था, जिसके बाद आनन फानन में व्लादिमीर पुतिन को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। लेकिन एक और बड़ा फैसला किया है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने, खरीफ फसल की बर्बादी पर किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए जल्द जारी कर सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि आपकी जो गेहूं की खेती, पियरा की खेती और मटर की खेती जो आपकी बर्बाद हुई, इसको लेकर किसानों को खास करके राहत का पैकेज सरकार देने जा रही है, और इसके लिए जल्द ही 10,000 करोड़ रुपए आवंटन करके किसानों के खाते में सीधे राशि जमा की जा सकती है। तो फिलहाल एक भी अच्छी खबर है, बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी कोरोना से निपटने के लिए तैयार है और ये देश भी तैयार है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।